चलिए ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कोडों के प्रकार, अब हम पढ़ते हैं आगे पूरक कोड, समपूरक कोड, आसन्न कोड, शीर्षाभिमुख कोड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। देखिए पूरक कोड क्या होता है, पूरक कोड को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इसमें क्या होता है, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है उसे हम कहते हैं पूरक कोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए समपूरक कोण में क्या होता है, सम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री यानी एक ऋजु कोण के बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आसन्न कोण, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये आपके लिए नया होगा। ठीक, इसमें जानते हैं कि जब एक ही उभयनिष्ठ भुजा होती है, देख रहे हैं आप इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है BD, एक कोण है ABC, जो BD क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, वह कोण B को, कोण B को क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। तो आप देख सकते हैं एक ही कोण में दो कोण का क्या बन रहा है, संयोग बन रहा है। दोनों कोणों में एक जो रेखा है, एक किरण है, वो क्या है, उभय निष्ठ है। अगर ऐसा कोई संयोग बनता है तो ऐसे संयोग को हम क्या नाम देते हैं, आसन्न कोण का नाम देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए रेखीय युग्म पढ़ना है आपको। रेखीय युग्म से आप क्या समझते हैं, कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। रेखीय युग्म से हम समझते हैं कि जब एक ही ऋजु कोण में, जैसे आप देख सकते हैं एक कोण है AOB जो कि एक ऋजु कोण है, ऋजु कोण को OC क्या कर रही है, काट रही है दो भागों में। जैसे कि देख सकते हैं इसको हम मान लेते हैं एंगल वन, इसको मान लेते हैं हम एंगल टू। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग हमेशा 180 मिलेगा। ऐसा कि लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, आगे आपको इसी को ब्रैकेट में दिखाना है, रैखिक युग्म कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या छोटे में हम इसे कहते हैं VOA। ठीक, इसमें क्या होता है, आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटती हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहां बना देता हूं फिर से, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। अगर ऐसा कोई संयोग बनेगा तो ऐसे संयोग को हम क्या नाम देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं, आपका इस चैप्टर का जो भी टॉपिक है खत्म हो गया है। अगले दिन से हम इस पर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।